मटकी की रसोई में आपका स्वागत है। अब खीर पकाने के लिए देखिए, मैंने दूध को अच्छे से बॉईल कर लिया है, दो बार ही दूध को बॉईल कर लेंगे। उसके बाद इसमें चावल जो है भिगोया हुआ दो तीन घंटे के लिए, उसको ग्राइंड करके इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, अभी दूध में बॉईल आ जाएगा तो हम चावल ऐड करेंगे। अब मैंने इसमें चावल ऐड कर दिया, इसको चलाती रहूंगी बराबर 20-25 मिनट। उसके बाद जब चावल देखेंगे पकने लगा इसमें, फिर इलायची और चीनी डाल देंगे। और अच्छा गाढ़ा बनाने के लिए आपको इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। ये खीर जो है हम इंडक्शन पे बना रहे हैं, हमें इतने पे ही रखना है तो बन पाएगी खीर, वरना दूध जो है जल जाएगा। ये हमने 200 पे रखा हुआ है और थोड़ी देर बाद हम 500 पे कर देंगे। और स्टार्टिंग में जब हमने किया था तो 1000 पे किया था, मतलब जिससे जल्दी जल्दी बॉयल आ जाए। तो दो बारी दूध में अच्छे से बॉयल आ गया, फिर हमने चावल डाला। चावल डाल के पकाते हुए मुझे 20 मिनट हो गया है। ये देखिए चावल हमारे लगभग पक गए हैं। अब इसमें थोड़ा सा इसको कंडेंस होने देंगे और अच्छे से, और अब 500 पे कर देंगे नंबरिंग। ठीक है, पकने देंगे और बराबर चलाते रहेंगे, नहीं तो बॉटम पे लग जाएगा। और ये सब स्क्रैच करके इसमें डालते रहेंगे तो रबड़ी जैसा खीर कर जाएगा, और इलायची और चीनी बाद में डालेंगे। ये देखिए खीर हम 800 पे कर चुके हैं अब, इससे और अच्छे से गाढ़ी हो जाए। और अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे, केसर मिल्क पाउडर यूज कर सकते हैं इसको और डिलीशियस बनाने के लिए। ठीक है, खोया भी। ये देखिए इलायची की बिया निकाल के मैंने कॉफी वाले डिब्बे में रखी हुई है, उसी को मैंने डाल दिया। पाउडर हो तो पाउडर डाल दीजिए, छिलका मतलब वैसे भी डालना चाहे तो छिलका भी डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। डालना है बस फ्लेवर के लिए, ना भी डालेंगे तब भी छिलका। तो अभी इसको थोड़ा कंडेंस होने देंगे, नहीं तो फिर और पानी छोड़ती चीनी डाल दूंगा, ठीक होने देंगे, क्योंकि हम इसमें मिल्क पाउडर वाउडर डाले नहीं है ना, इसलिए थोड़ा टाइम लगा ठीक होने में। अगर आप मिल्क पाउडर डालेंगे तो जल्दी ठीक हो जाएगी। और एक ट्रिक और है, वो चावल को पीस लेंगे थोड़ा सा। तो ये देखिए हमारी खीर ऑलमोस्ट रेडी है, अभी इसमें हम चीनी डालने जा रहे हैं। चीनी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल दीजिए, मैंने अपने चीनी डाल के चला दिया है। अब अभी अपनी आप ये गाढ़ी हो जाएगी, क्योंकि लगभग लगभग हो गई है तो बहुत ज़्यादा ठीक हो जाएगी यूज़ करने के बाद। तो अभी हम छोड़ दे रहे, क्योंकि हमको 2 घंटे बाद ही इसको यूज़ करना है। तो आप तुरंत खाना चाहते हैं तो इसको थोड़ा और कंडेंस कर लीजिएगा। तो मेरी खीर रेडी हो गई है, सिंपल तरीके से बनने वाली खीर, देखिए आसानी से बनी, केवल दूध और चावल। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल बटन।